झाबुआ से चुनावी शंखनाद आज होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि झाबुआ को करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। 7500 करोड़ रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। आदिवासी सम्मेलन को संबोधित भी पीएम करेंगे। 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान का वितरण होगा। 2 लाख महिला लाभार्थियों को मासिक किस्त देंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। तो 7500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करने वाले हैं। आदिवासी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे पीएम। वहीं 2 लाख महिला लाभार्थियों को मासिक किस्त देंगे। साथ ही महिलाओं को आहार वितरण भी किया जाएगा और महिलाओं को खास तौर पर साधने की कोशिश होगी। महिला लाभार्थियों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। योजनाओं की सौगात देंगे साथ ही मासिक किस्त भी जारी करेंगे। जिन कामों को पूरा करने की गारंटी दी थी उस वादे को ही निभाने पीएम मोदी झाबुआ आ रहे हैं। दौरा इसलिए अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने वादा किया था उनमें से कई पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन सियासी गलियारों में इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम के दौरे को लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। दरअसल करोड़ों की सौगात के साथ साथ पीएम मोदी की झाबुआ में एक बड़ी जनसभा भी होगी जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता तो शामिल होंगे ही, इसके साथ ही बड़ी संख्या में आदिवासी भी शिरकत करेंगे। चूंकि झाबुआ का इलाका आदिवासी बाहुल्य है इसलिए इसे ट्राइबल पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी पीएम के दौरे से आदिवासी वोट बैंक को साधना चाहती है, इसलिए चुनावी शंखनाद के लिए सबसे पहले झाबुआ को चुना गया। अब यहां से सवाल भी है कि आखिर झाबुआ को ही सबसे पहले क्यों चुना गया। तो दरअसल झाबुआ आदिवासी राजनीति का केंद्र है। गुजरात के 3 और राजस्थान के 3 जिले लगे हुए है। ये सभी जिले भी आदिवासी बाहुल्य है। एमपी में आदिवासियों के लिए रिजर्व 3 सीटें झाबुआ के आसपास है। इसके साथ ही गुजरात राजस्थान की 2-2 रिजर्व सीटें भी पास में है। यानी कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की धरती से राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों को भी साधने की रणनीति है। आंकड़े बताते हैं कि झाबुआ और राजस्थान के आदिवासी इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था। एमपी में 47 सीटों में बीजेपी 24 और कांग्रेस 22 सीटों पर जीती थी। यानी आदिवासी इलाकों में करीब करीब बराबरी का मुकाबला रहा था। बीजेपी आदिवासी सीटों पर अंतर को कम करना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में बड़ी बढ़त मिल सके। मध्य प्रदेश में सियासी तौर पर आदिवासी कितने जरूरी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विधानसभा में एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व है तो वहीं लोकसभा में 29 में से 6 सीटें रिजर्व है। प्रदेश में इनकी आबादी करीब 22% है। 43 आदिवासी समूह है। 60 लाख भील भिलाला है। 51 लाख गोंड समुदाय के लोग हैं, तो वहीं 12 लाख कोल समाज के वोटर्स हैं। 89 विकास खंडों में दबदबा है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सत्ता के लिए इनका साथ कितना जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, आज झाबुआ दौरा प्रधानमंत्री का रहेगा, सबसे पहले तो अपडेट, कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे तक रहेगी, कौन उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचेगा? जी बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश आ रहे हैं और काफ़ी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि आज जो है पीएम मध्य प्रदेश के झाबुआ से जो है चुनावी शंखनाद कर सकते हैं। सुबह करीब 11:30 के आसपास पीएम झाबुआ पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर मिनिस्टर इन वेटिंग्स रहेंगे, साथ ही साथ सीएम मोहन यादव भी जो है उनकी अगवानी करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम की हम बात करें तो आज अपने इस दौरे के दौरान पीएम जो है करीब 7500 करोड़ की अलग
अलग अलग योजनाओं परियोजनाओं की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को खास तौर पर झाबुआ और जनजाति बेल्ट को देने जा रहे हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्र की योजनाएं शामिल है, जिनमें जल, बिजली, सड़क, पानी, इनकी जो अलग अलग योजनाएं केंद्र सरकार की चलती है उनके हितग्राहियों को जो है सौगात देने जा रहे हैं पीएम। साथ ही साथ जो झाबुआ के आदिवासी जनजाति भाई बहन है उनसे संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। आदर्श ग्राम योजना के तहत करीब 559 गाँव को जो है करीब 60 करोड़ के आसपास की राशि जो है वितरित की जाएगी। साथ ही साथ आहार अनुदान योजना के तहत जो आदिवासी महिला हितग्राही हैं उनके खातों में भी मासिक किस्त का वितरण जो है पीएम करेंगे। इसके अलावा कई ऐसी जल परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज मिलने जा रही है। सड़क जो है कई बड़ी सड़कें हैं जिनका आज शिलान्यास भी जो है पीएम के द्वारा रखा जाएगा। तो अलग अलग योजनाओं की सौगात जो है पीएम आज देने वाले हैं। और क्योंकि ये जो शुरुआत है वो झाबुआ जो कि एक बड़ा जनजाति बेल्ट कहलाता है मध्य प्रदेश का, वहाँ से हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके ज़रिए एक बार फिर से बीजेपी जो है मध्य प्रदेश के जनजाति समेत आस पड़ोस के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ की आदिवासी जनता को भी साधने की कोशिश कर रही है। झाबुआ की हम बात करें तो दो राज्यों से उसकी सीमा लगती हुई है, नज़दीक पड़ता है ये गुजरात और राजस्थान के। ऐसे में जो है इन राज्यों माफ़ कीजिएगा गुजरात के, और ऐसे में जो है इन राज्यों के भी जो दूसरे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ की जनता को भी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल नीलम, और चूंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के जो बड़े बड़े कटआउट हैं, जो होर्डिंग्स हैं वो लगा दिए गए हैं, यानी कि शहर पूरी तरीके से सजकर तैयार है। तैयारियां क्या क्या और ज़्यादा यहाँ पर की गई हैं ताकि प्रधानमंत्री का स्वागत भव्य तरीके से किया जा सके? क्या कोई अलग तरीके से स्वागत होगा? चूँकि आदिवासियों को तो देखिए साधा जाएगा, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा उसके लिए क्या कोई अलग से तैयारियां हैं इस बार? नीलम आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए आवाज नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं विधानसभा में। एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हैं और झाबुओं को सौगात देने वाले हैं। 7500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं को धनराशि वितरित की जाएगी। 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान की किस्त दी जाएगी। साथ ही पीएम स्वामित्व के लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख दिया जाएगा। टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। 170 करोड़ से भील विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। वहीं पीएम आदर्श ग्राम योजना से 550 गांवों का भी पुनरुद्धार होगा। रतलाम मेघनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। इंदौर देवास उज्जैन लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। करोड़ों की सौगात मिलेगी झाबुआ में। सीएम राइज स्कूल की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। तवाड़ा जल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये सौगातें हैं जो बता रहे हैं आपको कि वो देने वाले हैं। रतलाम में जलापूर्ति की जाएगी। साथ ही झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों को नल जल योजना से जोड़ा जाएगा। करीब 1100 घरों में नल से पानी पहुंच सकेगा। 3275 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण भी होना है। और पीएम मोदी का झाबुआ दौरा काफी खास है, काफी खास उनका ये दौरा, और ये सौगातें जो हैं आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं झाबुआ पहुंचकर। साथ ही महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश होगी, आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री की रहने वाली है। तो देखिए प्रधानमंत्री का ये जो झाबुआ दौरा है वो कई मायनों में खास है। विकास के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इसके सियासी तौर पर भी कई मतलब है। झाबुआ के गोपालपुर हवाई पट्टी पर आयोजित जनजाति सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आज पीएम झाबुआ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल को जनजाति पुरुषों के पोस्टर और बैनर से सजा दिया गया है। लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झाबुआ दौरे पर रहेंगे। वे यहां पर जो गोपालपुरा हवाई पट्टी है वहां पर जनजाति सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव का भी आगाज हो जाएगा प्रचार का। मेरे साथ कुछ लोग हैं कि कल प्रधानमंत्री जो झाबुआ दौरे पर रहेंगे क्या उम्मीदें हैं और क्या सौगात मिल सकती है। राजन जी कल क्या सौगात मिलने वाली है? बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर गोपालपुरा में है आयोजित होने वाला है। प्रधानमंत्री दूसरी बार झाबुआ आ रहे हैं।
देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है, और यह भी माना जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री अपने चुनावी दौरे का शंखनाद जनजातीय क्षेत्र से करने जा रहे हैं, लिहाजा यहां के लोगों को प्रधानमंत्री के इस दौरे से बड़ी उम्मीदें हैं। आदिवासी समुदाय और वनवासी क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री यहाँ कोई उनके लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। क्षेत्र में लगातार कई तरह के विकास कामों की और रोजगारमूलक संसाधनों की मांग की जा रही थी। हालांकि सरकार की कई सारी योजनाएं संचालित हैं, मगर फिर भी लोगों को उम्मीद रहती है कि चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं उन्हें इसका राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। रेल की भी बात हुई है, एक लेन की बात होगी, फोर लेन भी यहां पर बना है। मुकेश जी, आपने बहुत करीब से देखा है, जनजातीय सम्मेलन में क्या कुछ नया होने वाला है? आपने काफ़ी करीब से जनजातीय समाज को देखा है, क्या मांग हो सकती है और प्रधानमंत्री क्या पूरी कर सकते हैं? देखो, झाबुआ में अगर नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं, उनके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य ये मिलेगा कि यहाँ एक एयरलाइन से जोड़ा गया आदिवासियों को यहाँ से। फिर उसके बाद नई सौगात ये हो सकती है, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियर कृषि कॉलेज की लंबे समय से मांग उठ रही है। कहीं न कहीं अगर मोदी यहाँ कल आएंगे और हमसे उम्मीद है कि यहाँ घोषणा करेंगे और वही बहुत जल्द झाबुआ और आसपास के इलाके के आदिवासियों को लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मोदी यहाँ आते हैं, जिसे जनजाति सम्मेलन क्या है, जिसमें जनजाति सम्मेलन में आदिवासियों के जननायक है उनको भी यहाँ प्रमुख भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, और सबसे पहले उन्हें बैनर पोस्टर लगाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ भाजपा है, ऐसी मोदी सरकार है, ऐसा एहसास भी होने लगा है। हम भी यहाँ रोज़ देखने आ रहे हैं कि भाई मोदी जी कब आए यहाँ, और हमें वो उनसे देखने का और भाषण सुनने का समय मिलेगा। जी, क्या उम्मीदें हैं कल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से? जी, उम्मीद तो बहुत सारी लगाए बैठे हुए यहाँ के जो वोटर, जो आयोजन जन समाज के लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो भव्य आयोजन हो रहा है, ये हालांकि बताया जा रहा है कि ये गुजरात के बड़ौदा में होना था, लेकिन ये झाबुआ ही चुना है। झाबुआ इसीलिए चुना है क्योंकि जनजाति आदिवासी बाहुल्य सीट है, यहाँ पर मानी जाती है, जो महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसको लेकर के मोदी जी ने आज इस स्थान को चुना है। और यहाँ पर जनजाति लोगों को बहुत सारी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मोदी जी अगर यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी घोषणा उनके लिए कर सकते हैं। जी तो देखिए, एक बड़ी घोषणा की उम्मीद प्रधानमंत्री से रहेगी, जैसे कि विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर मोदी जी ने इसी जगह पर जहाँ पर हम भी खड़े हैं वहाँ पर सभा की थी और अपील की थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताए। इस बार लोकसभा का चुनाव है और काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है रतलाम, जो लोकसभा है। झाबुआ से वीडियो जावेद के साथ आलोक कुमार द्विवेदी, न्यूज स्टेट। नीलम का एक बार फिर से रुख करते हैं। नीलम, जो सवाल मेरा था कि देखिए, बड़े बड़े कटआउट होर्डिंग्स जो हैं वो पूरे शहर में लगा दिए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, क्या इस बार अलग तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा? आदिवासी वर्ग को तो साधा जाएगा, लेकिन किस तरीके से भव्य स्वागत उनका होना है झाबुआ में, वो बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जब भी पीएम जो कहीं पर भी दौरे पर जाते हैं, और अगर हम देखिए खास तौर पर जब वो मध्य प्रदेश में आते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो अलग अलग लोक संस्कृति है उसके तहत जो है पीएम मोदी का स्वागत किया जाता है। और जाहिर तौर पर आज जब वह झाबुआ पहुंच रहे हैं, जो कि एक आदिवासी बहुल इलाका है, इसके आसपास के तमाम बेल्ट पर भी जो है इसका असर देखने को मिलता है, तो जो आदिवासी बहुल जो लोक संस्कृति है उसके तहत पीएम का स्वागत किया जाएगा। बीते जितने भी दौरे पीएम के ऐसे क्षेत्रों में रहे हैं, हमने देखा है कि आदिवासियों ने ही उनका जो है स्वागत किया है। जो पारंपरिक मुकुट होता है, धनुष होता है, वह पीएम को भेंट भी किया गया था, और आज के लिए भी जो है इसी तरह की तैयारियां की गई है। रंग बिरंगी पोशाक और साथ ही साथ जो फेटा होता है जो आदिवासी पहनते हैं अपने लोक नृत्यों में, इसके साथ ही साथ जो उनके पारंपरिक स्वागत के तरीके होते हैं, जो नृत्य होता है उसके ज़रिए जो है पीएम का स्वागत करने की पूरी यहां पर तैयारियां की गई है। अगर हम समय की बात करें तो करीब 12:15 बजे जो है पीएम जो है झाबुआ पहुंचेंगे। सबसे पहले वह इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में जो है करीब 5 मिनिस्टर मीटिंग बनाए गए हैं, तो सबसे पहले इंदौर में जो है संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उनका स्वागत करेंगे। वहीं झाबुआ हेलीपैड में जो है मंत्री नागर सिंह चौहान उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे, और मुख्य कार्यक्रम स्थल पर मंत्री निर्मला भूरिया जो है उनके साथ मौजूद रहेगी। साथ ही साथ सीएम मोहन यादव इस पूरे कार्यक्रम में पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। तो तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है, ना सिर्फ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, बल्कि बीजेपी ने भी इस कार्यक्रम को बड़ा बनाने के लिए कई दिनों से तैयारियां शुरू कर दी थी। बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स के अलावा भी लोगों से जाकर मुलाकात की गई, और उन्हें कार्यक्रम के लिए जो है आमंत्रित भी किया गया है, ताकि बड़ी संख्या जो है यहां पर इस कार्यक्रम स्थल में
जुट सके। पीएम जो है कुछ आदिवासी बहनों से बात करते हुए भी हमें जो है नजर आ सकते हैं इस दौरान, और एक बड़ी सभा उनकी यहाँ पर जो आज होने जा रही है। जी बिल्कुल नीलम, नजर आप बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए लोक संस्कृति की जो झलक है वो फिलहाल देखने को मिलेगी। झाबुआ आदिवासी राजनीति का केंद्र है और गुजरात के 3, राजस्थान के 3 जिले इससे लगे हुए हैं। पास के सभी जिले भील आदिवासी बाहुल्य हैं और उनको साधने की कोशिश आज के कार्यक्रम में रहेगी।